तमाड़ विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जेएमएम की टिकट से विकास मुंडा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजा पीटर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस बार हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। कुंदन पर अलग अलग थाने में कुल 60 मामले दर्ज हैं। कुंदन पाहन फिलहाल सरेंडर के बाद हजारीबाग ओपन जेल में रह रहा है। हाँ, वो इच्छुक हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कुंदन पाहन उम्मीद है कि चुनाव लड़ेंगे। अगर बातचीत हुई हमसे, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, कुछ परमिशन फाइल है। अभी किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी डिस्क्लोज भी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द लोगों को आ जाएगी कि किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। पहले भी कहीं किसी पार्टी से आप लोगों की बातचीत चल रही थी? चल रही थी, लेकिन चूंकि अभी हम अंदर हैं तो उनको भी ये पार्टी लोग अभी कोई संपर्क किए नहीं है।